तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने या बताने जा रहा हूँ, आपका दोस्त आपका भाई युवराज। तो ये हमारी इंग्लिश फर्स्ट है, जिसमें हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है और भी स्पीच प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह चीज़ें हैं इसमें। तो पार्ट ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ने तैयार रहते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। द पार्ट ऑफ स्पीच रेफर करता है टू वर्ड दैट आर यूज टू नेम पर्सन, किसी बंदे का नाम, किसी थिंग। नाउन में आता है एनिमल, प्लेस, आइडिया और इवेंट। नाउन आर द सिंपलेस्ट अमंग द एट पार्ट, आठ पार्ट का होता है नाउन। सिंपलेस्ट नाउन्स आर द सिंपलेस्ट अमंग द एट पार्ट ऑफ स्पीच। आठ पार्ट की स्पीच होती है, विच इज़ वे दे आर द फर्स्ट वन थॉट द स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल। बच्चे बात कर रहे हैं शुरू में प्राइमरी स्कूल। एग्जाम्पल होगा टॉम हैंक्स इन वेरी वेस्टल वर्सटाइल। टॉम हैंक्स इन वेरी वर्सटाइल द आइडियलिस्ट आइडियलाइज्ड द आइडियलाइज्ड नाउन रेफर टू अ नेम ऑफ अ पर्सन। द आइटलसाइज्ड नाउन रेफर टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, रेफर करता है, रेफर टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नेम या रेफर करता है। डॉग कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट, जो डॉग है वो एक्सट्रीमली क्यूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें बताया गया है। डॉग कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर द आइटल आइसिसाइड वर्ड इज कंसाइडर, इसके बीच में है कंसाइडर। अ नाउन बिकॉज इट नेम्स अ नाउन, जो हमारा नाउन है, अ नाउन बिकॉज इट नेम्स एन एनिमल, बिकॉज इट्स नेम एज एन एनिमल। इट इज़ माई बर्थडे, ये मेरा बर्थडे है। इट इज़ माई बर्थडे, ये हमारा बर्थडे है। द वर्ड बर्थडे इज़ अ नाउन विच रेफर टू एन इवेंट, द वर्ड बर्थडे जो है इज़ अ नाउन विच रेफर टू एन इवेंट, किसी भी इवेंट पे बर्थडे इवेंट है, ये बर्थडे से आपको क्या पता चलता है, इवेंट। देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, नेमली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्कर्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंट नाउन, मास नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट, वो हमेशा स्टार्ट होता है विद द कैपिटल लेटर, वो हमेशा स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर से, एंड रेफर करता है टू स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, टू स्पेसिफिक नेम, किसी भी बंदे का नाम, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर मतलब पूरा पता होना कि वो बंदा है या इंसान है या थिंग है एनिमल है या कोई ये प्लेस है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड रेफर टू स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जांपल वॉल्क्स वैगन, वॉल्क्स वैगन बीटल, सेखीज पिज़्ज़ा, गेम ऑफ थ्रोन्स। और कॉमन नाउन क्या हो गया हमारा, कॉमन, कॉमन नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है ऑफ प्रॉपर नाउन का। दीज आर जस्ट जेनरिक्स नेम ऑफ, जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है, और कॉमन नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन के बिल्कुल उल्टा होता है। दीज आर जस्ट इज जेनरिक्स नेम्स ऑफ पर्सन, जैसे किसी बंदे का नाम है, नेम ऑफ पर्सन, किसी बंदे का नाम है, कौन है पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन, थिंग। दीज आर जस्ट जर्नरिस नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस। थिंग हो गई कोई भी चीज़ हो गई, थिंग और प्लेस। एग्जांपल कार हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पार्लर हो गया, टीवी सीरीज हो गया, ये कॉमन नाउन है, ये बिल्कुल उल्टा है प्रॉपर नाउन से। अब हम बोले कार, कौन सी कार, कार तो बहुत तरह की है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए।
ये एडजस्ट करना है, मैं जनरेट चाहिए, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा क्या है। पिज़्ज़ा पार्लर, अब पिज़्ज़ा पार्लर क्या है, टीवी सीरीज़, टीवी सीरीज़ तो बहुत तरह के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉनकॉर्ड की तरफ। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड क्या होता है, दिस काइंड रेफर टू नाउन, ये रेफर करता है नाउन को, दिस काइंड रेफर टू नाउन, नाउन को रेफर करता है, विच यू कैन रिसीव थॉट योर फायर असेंस, रिसीव पी आर सी पी आई वी परसीव टी एच आर ओ जैसे थ्रोट योर फाइव सेंस, दिस काइंड है जैसे हमारा दिस काइंड, दिस काइंड टी एच आई एस, दिस काइंड टी एच आई एस, दिस काइंड, दिस काइंड है जैसे हमारा रेफर कराई टू कट होता है, दिस काइंड रेफर करा मैं किसी चीज़ को टू नाउन, नाउन की तरफ, विच यू कैन प्रीसीएस, पहले से बता थॉट योर फाइव सेंस, पांच तरह के बातें सोच सकता है, दिस रेफर टू नाउन विच यू कैन प्रीसीएस थॉट आवर फाइव सेंस, एग्जांपल फोल्डर सेंट और बॉर्डर, बोर्ड बोर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमें किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना या हटा देना, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट अनलाइक कॉन्कर्ट नाउन उसके जैसा होता है, कॉन्कर्ट नाउन के जैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट लाइक कॉन्कर्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच यू कैन प्रिसीव, विच यू कैन प्रिसीव थॉट योर फाइव सेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दोज विच यू कैन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच यू कैन, एब्स्ट्रैक्ट आर ए आर ए आर एच ओ दोज विच यू कैन, विच यू कैन प्रीशियस थॉट फाइव ईयर सेंस, प्रीशियस थॉट फाइव ईयर सेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच यू कैन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच यू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच यू कैन रिसीव थॉट योर फाइव सेंस, थॉट करते हैं और योर फाइव सेंस से, एग्जाम्पल हैप्पीनेस, जरूड, ब्रेवरी, हैप्पीनेस ग्राटी ब्रेवरी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस करा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस करा, ब्रेवरी, काउंट, काउंट मतलब जिस किसी भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इट रेफर टू एनीथिंग दैट इज काउंटेबल एंड हैज़ अ सिंगुलर एंड प्यूरल, कोई भी चीज़ काउंट मतलब किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्यूरल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ चाहे वो सिंगुलर हो या प्यूरल हो, एग्जाम्पल किटन को हम काउंट कर सकते हैं, वीडियो को भी हम काउंट कर सकते हैं, और बॉल को भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे टीवी, टीवी हम उन सबको काउंट कर सकते हैं, मास हो गया हमारा, मास हो गया जैसे हमारा दिस इज द अपोजिट ऑफ मास, दिस इज द अपोजिट ऑफ काउंट नाउन, ये बिल्कुल अपोजिट होता है काउंट नाउन के, जैसे मास हो गया नाउन हो गया, आर आल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल, ये कभी भी काउंट नहीं करा जा सकता नाउन है, एंड दे नीड टू हैव, इसको ज़रूरत होती है नीड टू हैव काउंटर्स, इसको ज़रूरत होती है काउंटर्स की टू क्वांटिटीफाई देम, एग्जांपल हो गया ऑफ काउंटर्स किलो कप मीटर, एग्जांपल ऑफ मास नाउन राइस फ्लोर यानी आटा, क्या ये जी आटा, गैदर कलेक्टिव
रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग, एनिमल्स और थिंग, एनिमल्स और थिंग, एनिमल्स और थिंग, रेफर टू अ ग्रुप, कलेक्टिव रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, एग्जाम्पल फैक्टुअली, फैक्टली एग्जाम्पल है जैसे हमारा फैक्टली, ग्रुप ऑफ टीचर, ग्रुप ऑफ टीचर क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस दिस ग्रेट लिस्ट ऑफ नाउन कैन हेल्प यू एक्सप्लोर मोर नाउन। नाउन पढ़ दिया हमने, अब हम आ गए हैं प्रोनाउन के ऊपर कि हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन जो है हमारा इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पीच है, विच फंक्शन उसका फंक्शन है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, अ पार्ट ऑफ अ प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा या मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता नहीं इसके लिए सॉरी। तो अब हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अ प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, विच फंक्शन, विच फंक्शन उसका जो फंक्शन है एज अ रिप्लेस रिप्लेसमेंट आर एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन, रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन आर, सम एग्जाम्पल दिए गए हैं हमको प्रोनाउन के आर, जैसे आई हो गया, इट हो गया, ही हो गया, सी हो गया, माइन हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, वी हो गया, दे हो गया, देर हो गया एंड आवर्स हो गया, ये सब क्या हमारे बोलो प्रोनाउन, प्रोनाउन ये सब हमारे क्या है। अ प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ विच विच फंक्शन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, सम एग्जांपल ऑफ अ प्रोनाउन आर आई, इट, ही, सी, माइन, हिज, हर, वी, दे, देयर एंड आवर्स। सम एग्जांपल है हमारे इसके जैसे जेनाइस इज अ वेरी स्टबर्न, स्टबर्न चाइल्ड, स्टबर्न चाइल्ड है, सी जस्ट स्टार्टेड एट मी एंड व्हेन आई टोल्ड हर टू स्टॉप, द लार्जेस्ट स्लाइस इज माइन, द लार्जेस्ट स्लाइस इन माइन, वी आर नंबर वन, वी आर नंबर वन, वी आर नंबर वन, द आइटिलाइज्ड वर्ड्स इज द सेंटेंस अबव आर द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, द आइटिलाइज्ड वर्ड जो हमारे द आइटिलाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस अबव कर अबव आर द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। एक महीने में कर दे कम से कम, एक बुक पूरी कंप्लीट कर दे, इतनी मेहनत कर, चटपट चटपट कर दे, फिर जो तेरी इनकम होगी ना वो किसी शेयर बाजार के टट्टू चट्टू से नहीं होगी। इतनी मतलब मेहनत करो ना, इतनी वेबसाइट खोल लो, 50 बिजनेस कर दो, कंप्यूटर खरीद लेता हूँ, 50 बिजनेस कर दो ना यूट्यूब से, डेली 200, एक बंदा रखना पड़ेगा मेरे को कैमरामैन टाइप जो मेरी वीडियोस बनाए अपलोड करे, कुछ मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। अब हम गाइस आ गए हैं एडजेक्टिव पे, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ अ स्पीच है हमारा, इट यूज करा जाता है टू डिस्क्राइब अ नाउन, एडजेक्टिव कैन स्पेसिफाई द क्वालिटीज, द साइज एंड द नंबर ऑफ नाउन। दो एडजेक्टिव होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ का, साइज एंड नंबर नाउन और प्रोनाउन
चेक करने के लिए सम एग्जांपल दी गई हैं हमें। हम नीचे इनके एग्जांपल देख लेते हैं। द कैल्विन आर इंट्रिकेट द कैरविंग्स, जो हमारे कैरविंग्स हैं, द कैरविंग्स और इंट्रीगेट करा द आइडलाइज्ड वर्ड से भाई हमारा डिस्क्राइब करा द अपीयरेंस ऑफ द नाउन है हमारा, जैसे कैरविंग्स कैरविंग आइडलाइज्ड वर्ड डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द नाउन कैरविंग द कैरविंग इंट्रिकेटेड। आई हैव टू हैमस्टर्स HAMST आई हैव टू हैमस्टर द आइडलाइज्ड वर्ड टू इज एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द नाउन हैमस्टर्स। The artilized word टू इज एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द नाउन हैमस्टर्स। वाओ, दैट डूगस नट इज हज That does not is hudge. The utilized word is an objective which describes the size of the noun. The hound. The utilized word is an adjective which describes the size of the noun. So, verb क्या होता हमारा? Option number 4 verb. वर्ब क्या होता है हमारा? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए? जो वर्ब जो होता है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ अ स्पीच विद For without a verb, a sentence would not exist. Simply put, this is a word that shows an action. The most popular part of speech for without a verb a sentence would not exist. Simply put, this is a word that show an action, physical or mental, or state of being of the subject in a sentence. Example of state of being verb. Example of state of being verbs हमारी verb क्या होती है? am, I am a boy, is, this is a, was, they was a, was, are and where. Verb is the most important part of speech, for without a verb a sentence would not exist. Simply put, this is the word that show an action, physical or mental, or state of being, the subject is in a sentence. This is the most important part of speech, for without a verb a sentence would not exist. Simply put, this is the word that show an action, physical or mental, or state being of the subject in a sentence. Example of state of being verb, am, is, was, are and where. Example sentence, as usual
एज यूजल द स्टॉर्मट्रॉपर्स एज यूजल द स्टॉर्मट्रॉपर्स मिस्ड दे शॉट मिस्ड दे शॉट द आइटिलाइज्ड वर्ड द आइटिलाइज्ड वर्ड है हमारा एक्सप्रेस करा आइटिलाइज्ड वर्ड एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट द एक्शन करा द एक्शन करा द एक्शन करा ऑफ द सब्जेक्ट स्टॉर्मट्रॉप्स दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एमरजेंसी दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एमरजेंसी द वर्ब आर रेफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द प्रोनाउन ऑफ प्रोनाउन दे विच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस दे विच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस वर्ब मेरे कहने का मतलब है वर्ब जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स आर आल्सो यूज टू आल्सो एडवर्ब कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन सी है द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब आर हमारे कौन कौन सी है द एडवर्ब ऑफ मैनर द देखा ये एडवर्ब है जो हमारी ऑफ मैनर की दिस रेफर करती है हमें दिस रेफर हमें भेजती है टू शो समथिंग टू दिस रेफर टू हाव समथिंग बहुत कुछ हैपन्स आर हाउ एन एक्शन इज डन एग्जाम्पल अनाइन डांस ग्रेसफुली अनाइंस डांस ग्रेसफुली द वर्ड ग्रेसफुली टेल हाउ अनाइन डांस एडवर्ब ऑफ टाइम दिस स्टेट व्हेन समथिंग हैपन और व्हेन इट इज डन ये वो चेक कर लेना है वो पन्ना चेक कर लेना है एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ टाइम दिस स्टेट जो हमारी व्हेन समथिंग हैपन्स और व्हेन इट इज डन Example, she come yesterday. The idealized word tell when she come. Adverb of place. This tells something about where something happens or where something is done. Example of course, I looked everywhere. The above everywhere tell where I looked. The adverb where tell where I looked. एडवर्ब ऑफ डिग्री दिस स्टेट द आइडेंटिटी और द डिग्री टू विच स्पेसिफिक एडवर्ब ऑफ प्लेस दिस टेल समथिंग अबाउट वेयर समथिंग हैपन्स आर वेयर समटाइम इज डन क्या कर रहा है लकी ऑफ कोर्स आई लुक द एडवर्ब Everywhere the adverb everywhere tell where I looked adverb of degree this state the intensity or the degree to which a specified thing happens or is done example the child is very talented the idealized Adverb answer the question. The utilized adverb answer the question.
टू वर्ड डिग्री इन द चाइल्ड टैलेंट, टू वर्ड डिग्री इन द चाइल्ड, टू वर्ड डिग्री इज द चाइल्ड टैलेंट, वर्ड डिग्री इज द चाइल्ड टैलेंट। प्रीपोजिशन, लकी प्रीपोजिशन पता है क्या होता है, पढ़ाया तो होगा तुझे ग्रामर पे, नहीं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर की बुक है पे होगा उसमें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दिस पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन होती है दिस पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली जो रेफर करता है टुवर्ड द स्पेसिफिक लोकेशन और अ लोकेशन इन टाइम। दिस पार्ट ऑफ स्पीच, दिस पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली रेफर टुवर्ड दैट स्पेशली स्पेसिफाई लोकेशन और अ लोकेशन इन टाइम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना है अब हमें ऑफ प्रीपोजिशन का, ऑफ प्रीपोजिशन का एडवर्ब हो गया बिलो, थ्रोट आउट होगा आउटसाइड, थ्रोट आउट आउटसाइड, बिफोर, नियर एंड सिंस सम एग्जाम्पल, मिचना मिच इज हिडिंग हिडिंग अंडर द बेड, मिचना इज हिडनिंग अंडर द बेड, द यूटिलाइज्ड प्रीपोजिशन, द यूटिलाइज्ड प्रीपोजिशन चैप्टर नहीं होगा प्रीपोजिशन होगा ग्रामर में। द यूटिलाइज्ड प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन, द प्रीपोजिशन प्रेस अंडर द बेड एंड टेल वेयर मिच is holding during the game, the audience never stop it cheering of the team, the utilized preposition introduce the personal pairs p r e p o s i t i o n है तो क्या करूँ होगी सत्तर है।